हाय दोस्तों, मेरा नंबर नान है। दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, मेरे हाथ में सैमसंग का मोबाइल है और इसका जो मॉडल नंबर है वो है B310। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मोबाइल के अंदर में जो प्रॉब्लम है वो है सिम लॉक का, ठीक है। इसमें अगर फ़ोन लॉक होता तो आप इसे बहुत ही आसानी से अपने मेडिकल क्रैक में जो है इसे इसका जो लॉक है इसे आप रीड कर सकते थे, या अलादीन क्रैक्स में इसे आप जो है अनलॉक कर सकते थे या रिसेट कर सकते थे। लेकिन इसमें सिम लॉक है, सिम लॉक अगर आप वहाँ पे रीड करेंगे मेडिकल क्रैक में या अलादीन क्रैक में तो वो रीड नहीं हो पाएगा सिम लॉक, ठीक है। तो इसे अनलॉक कैसे करना है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसका सिम लॉक कैसे अनलॉक करना है। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्ना ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और अभी तक इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो आप इस घंटे को जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस सिम लॉक को आप मेडिकल क्रैक से भी आप इसे अनलॉक कर सकते हैं और इसे आप जो है अलादीन क्रैक से भी अनलॉक कर सकते हैं और इसे आप अपने Z3X क्रैक से भी अनलॉक कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि आप जो है Z3X क्रैक से या Z3X बॉक्स से जो है किस तरह से आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो है मॉडल नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, B310 जो सैमसंग का मॉडल है उस मॉडल को पहले हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस मॉडल नंबर को जो है सिलेक्ट कर लिया है, B310 मॉडल जो है ये सैमसंग का, इस मॉडल को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे मैं जो है आपको अब यहाँ पे देख रहे हैं, एक मेरे पास फाइल है और ये कंप्रेसर फाइल है और ये फुल फ्लैश फाइल है, ठीक है। तो इस कंप्रेसर फाइल को हम सबसे पहले एक्स्ट्रा हेयर करेंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा हेयर करने के बाद इसमें क्या होगा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो एक फोल्डर बन चुका है और इस फोल्डर के अंदर में जो है बहुत सारा फाइल है। तो दोस्तों अब हम जो इस मोबाइल को जो फ्लैश करेंगे तो इसमें से कौन से फाइल को सिलेक्ट करना है, कौन से फाइल को सिलेक्ट नहीं करना है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले हमें यहाँ पे CSC फाइल को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे टूल पे जो है CSC पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम जो है CSC फाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो फ्लैश फाइल यहाँ पर जो आप यहाँ देख रहे हैं डेस्कटॉप पर फाइल है, तो सबसे पहले CSC बिन फाइल को हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इस टूल में। उसके बाद आप यहाँ पे जितनी सारी ऑप्शन देख रहे हैं सभी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे बारी बारी से, तो ऑटोमेटिकली जो फाइल जो इसमें सिलेक्ट हो जाएगा, यानी जिस ऑप्शन में जिस फाइल की जरूरत है वो सारी फाइल जो है ऑटोमेटिकली जो है सिलेक्ट होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सारी फाइल को जो है सिलेक्ट कर लें अपने टूल में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि Z3X क्रैक में जो है यहाँ पे आपको सारी फाइल को सिलेक्ट करके ही आपको फ्लैश करना होता है, लेकिन अगर आप अलादीन क्रैक से करेंगे या मेडिकल क्रैक से करेंगे तो उसमें आपको सिंगल फाइल जो है सिलेक्ट करना होता है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने फ्लैश दे दिया, तो फ्लैश दे दिया उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि परसेंटेज चल रहा है। उसके बाद बात करते हैं इस मोबाइल को बूट कराने, बूट कैसे कराना है, इस मोबाइल का बैटरी निकालना है, बैटरी लगाना है। उसके बाद इसमें आप देख रहे हैं मेनू बटन, मेनू जो बराबर बटन है इस बटन को हमें कंप्लीट दबा के रखना है, उसके बाद डाटा केबल लगाना है और जैसे ही डाटा केबल हम लगाएंगे हमारा मोबाइल जो यहाँ पे बूट कर जाएगा, उसके बाद इस बटन को हमें छोड़ देना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितनी सारी फाइल हमने यहाँ पे सेलेक्ट की है वो सारी की सारी फाइल जो एक एक करके बारी बारी से यहाँ पे फ्लैशिंग होगा, कंप्लीट फ्लैश होगा, तभी जो हमारा जो है सिम लॉक या अनलॉक हो पाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा फ्लैश होने में कुछ टाइम लेगा, तो जब तक मैं आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप मान के चलिए मेडिकल क्रैक से या अलादीन क्रैक से अगर आप इस मोबाइल को अगर फ्लैश करते हैं या फॉर्मेट करते हैं, उस दौरान में अगर ये मोबाइल अगर बंद हो जाता है या डेड हो जाता है, तो आप अगर इंटरनेट से जब फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं और उस फ्लैश फाइल से जब इस मोबाइल को आप फ्लैश करते हैं और फिर भी ये मोबाइल आपका ऑन नहीं हो पाता, तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना ये है कि आप जो है सेम इसी मॉडल को जो है कहीं से भी इसका व्यवस्था करें और उसका फ्लैश फाइल जो है आप रीड करें अपने कंप्यूटर में और रीड करके वो फाइल जो मोबाइल डेड हो गया था उस मोबाइल में आप राइट कर दें और ये जो मोबाइल है 100% जो है गारंटी ऑन हो जाएगा। क्योंकि होता ये है कि जब आप इंटरनेट से फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो फाइल आपका जो 100% सही होगा, वो फाइल सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है क्या होता है कि जब गलत फ्लैश फाइल आप जब डाल देते हैं मोबाइल में तो मोबाइल जो है उस कारण से बंद हो जाता है। क्योंकि मुझे जब कभी इस तरह का प्रॉब्लम होता है, जब मैं नेट पे फ्लैश फाइल जो किसी मॉडल का अगर खोजता हूँ तो अगर हमको नहीं मिलता है और 4-5 फ्लैश फाइल मैंने डाउनलोड कर लिया और वो उसमें से किसी एक फाइल से भी मेरा काम नहीं हुआ, तब उस हालत में मैं सेम उसी मॉडल को जो है उसकी व्यवस्था करता हूँ और जब उस मॉडल की जब व्यवस्था हो जाती है तो उस मोबाइल का जो फ्लैश फाइल मैं रीड कर लेता हूँ और रीड करने के बाद जब मैं राइट करता हूँ तो मोबाइल 100% ऑन हो जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं ये मोबाइल जो कंप्लीट फ्लैश हो चुका है
और इसमें सिम कार्ड जो पहले से लगा हुआ था, इसे सिम कार्ड मैंने निकाला नहीं था। चलिए इस मोबाइल को मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, ये मोबाइल का जो सिम लॉक है वो अनलॉक हुआ या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मोबाइल जो आपको यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा होगा इस कैमरे की वजह से, तो आप ये ना सोचे कि ये मोबाइल जो है राइट से ऑन होता है तो ये लेफ्ट से ऑन कैसे हो रहा है, तो ये कैमरे का फर्क है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इस मोबाइल का जो सिम लॉक है वो पूरी तरह से जो है रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।